Player wise, the GOATs would instead be Oves or Clutch God, as they have far more achievements overall as a player. Again, I don't. देखो अभी मैं वही बोल रहा हूँ ना, एक गोट नहीं होता कभी भी. कोई जोनाथन बोलता है, कोई मॉर्टल बोलता है, तुम अभी ओवेस और क्लच गॉड बोल रहे हो, कोई शायद अभी से ही गॉब्लिन को बोल रहा है. तो अगेन एज आई सेड, इट्स अ लीग. और मेरे को नहीं, अभी अगर तुम गोट्स की बात करो, अगर बीजेएमआई में किसी गोट्स की बात करनी है, तो आई थिंक देखो यार, मैं ओवेस और रौनक और वो जो एरा था उसमें मेरा, मैं बीजेएमआई से बहुत ज़्यादा एबसेंट था. तो इसके लिए मैं उनको कभी गिनता नहीं हूँ कभी, क्योंकि मैंने उनका एरा कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया है. वो एरा के बारे में मेरे को जो एक बंदा पता है वो था मॉर्टल. जो चार लोग पता थे वो तभी मेरी टीम TSM Entity की टीम थी. स्काउट मेरे को ऑब्वियसली पता था. तो मेरे डेफिनेशन में अगर मेरे को गोट्स की बात करनी है इंडियन सीन में, तो फॉर मी इट इज़ मॉर्टल, स्काउट, जोनाथन. सो फॉर मी, एज आई सेड, फॉर मी इन द गोट्स वाला जो डेफिनेशन है, बिकॉज आई हैवंट एक्सपीरियंस्ड बाकी किसी का एरा, फॉर मी इट इज़ मॉर्टल, स्काउट, जोनाथन राइट नाउ BGMI में. प्लेयर के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, बाकी तो आई थिंक इट्स अप फॉर डिबेट. बिकॉज मे बी